देहरादून के डोईवाला में बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से देहरादून जा रही एक यात्री बस लाल तप्पड़ फन वैली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना सुबह 4:30 बजे के आसपास की है। हादसे के समय बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत करीब 17 यात्री सवार थे। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे में 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें 108 की मदद से ऋषिकेश एम्स उपचार के लिए भेजा गया है।